हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर, सिंपल इजी इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस की थी। उसमें हमने ये बताया था कि जिस पार्ट को हम स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये एक स्टेबल पार्ट है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। इसके अंदर एक मेटल का होना जरूरी है जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। उसके अलावा इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्स। ठीक है, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और इन मेटल और लीजेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दीज टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनकी हम कुछ आगे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले एम्बिडेंट लीजेंट। देखो, लीजेंट मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा या उसके अंदर कितने डोनर एटम होंगे, उसके बेस पर उसकी टाइप थी। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, बाईडेंटेट या डाई जो दो देगा, हेक्साडेंटेट 6 देता है, एग्जांपल भी हमने उसका डिस्कस किए थे। अब एक एम्बिडेंट लीजेंड, वो इनसे कुछ अलग है। वो क्या है, देखो सबसे पहली बात, एम्बिडेंट लीजेंड एक मोनोडेंटेट लीजेंड होगा, बाई ट्राई डेट्रा हेक्सा नहीं हो सकते। पहली बात, मोनोडेंटेट लीजेंड। देखो, सीएन एक मोनोडेंटेट लीजेंड है, साइनाइड। ठीक है, ये मेटल एटम से है, सीएन एक कार्बन एक नाइट्रोजन, पर ये मेटल एटम से दो अलग अलग साइड से अटैच हो सकता है, सी साइड से भी अटैच हो सकता है और एन साइड से भी अटैच हो सकता है। तो एक ही लीजेंड है, उसके अंदर दो अलग अलग डोनर एटम आ गए। ऐसे लीजेंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनके अंदर डोनर एटम अलग अलग हो, यहाँ सी साइड से डोनेट और यहाँ एन साइड से, ये भी एक कार्बन नाइट्रोजन और ये भी एक कार्बन नाइट्रोजन, तो सी एन या एन सी एक एम्बिडेंट लीजेंड हुआ। एम्बिडेंट लीजेंड वो मोनोडेंटेट लीजेंड होंगे विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम। मोनोडेंटेट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनेगा पर दो डिफरेंट एटम बना सकते हैं, एक बार अलग एक बार अलग। तो सी एन एक और, सी एन और एन सी एम्बिडेंट। और देखो, एन ओ टू या ओ एन ओ, ये नाइट्रो या नाइट्राइट, ये मेटल को एन साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकता है और ये ओ साइड से, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। ठीक है, एक और, थायो सल्फर कहीं भी आ जाए, ऑर्गेनिक में हम सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, थायोसाइनो एस एन या उल्टा एन सी एस आइसो थायोसाइनो। अब ये भी देखो, ये मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा सल्फर साइड से और ये मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा नाइट्रोजन साइड से, तो ये दोनों एम्बिडेंट लीजेंड हुए, ये दोनों एम्बिडेंट लीजेंड हुए, ये दोनों एम्बिडेंट लीजेंड हुए। व्हाट इज एम्बिडेंट लीजेंड? सबसे पहली बात कि ये मोनोडेंटेट होने चाहिए, द मोनोडेंटेट लीजेंड। सभी नहीं हो सकते, कुछ स्पेशली होंगे, द मोनोडेंटेट लीजेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम, विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम और हैव टू डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग साइट, साइट का हो या पोजिशन को, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली साइट है, इसमें सी साइड से और इसमें एन साइड से, विच हैव टू डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग साइट कहो, साइड कहो या एटम कहो या मॉलिक्यूल कहो। ठीक है, होगा वो मोनोडेंटेड पर उसके अंदर दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, सी एन एन सी मोनोडेंटेड है, ये सी साइड से एन साइड, तो सी एन एन सी एन सी, ये आपस में एक दूसरे के एम्बिडेंट लीजेंड हुए, सी एन एम्बिडेंट एन सी एन एम्बिडेंट, क्योंकि ये सी साइड से एन साइड से, फॉर्मूला सेम, इन दोनों का फॉर्मूला सेम, एन और ओ, इन दोनों का फॉर्मूला एस और एन, नेम लिख लेते, दिस इज
CN है तो ये साइनाइड आयन, NC है तो आइसोसाइनाइड आयन। ध्यान रखिए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एम्बिडेंट टू ईच अदर। NO2 है तो नाइट्रो, ONO है तो नाइट्राइटो, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो एट एम्बिडेंट। SCN थायोसाइनो, NCS आइसो थायो साइनो, ये तीन पेयर हैं जिन्हें हम एम्बिडेंट लीजेंड डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी दैट इज एम्बिडेंट लीजेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात है, मेटल और लीजेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब एक लीजेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। या सिंपल सी बात, मेटल के साथ कितने मोनोडेंटेट लीजेंड अटैच हो सकते हैं या हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने कहा K4 FeCN6, ठीक है। अब ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है। CN मोनोडेंटेट लीजेंड है, CN इज ए मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, और कितने अटैच हैं, 6। तो यहाँ इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीजेंड अटैच होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लीजेंड, कितने मोनोडेंटेट लीजेंड होंगे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लीजेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने मोनोडेंटेट लीजेंड। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो इसमें बाईडेंटेट एक्सीडेंटेट हुए तो फिर देखिए, मान लो हमने ये कहा Na4PtOX3। अब OX क्या है, ऑक्सलेटाइन, OX इज ऑक्सलेटाइन, ठीक है। ये एक बाईडेंटेट लीजेंड है और हमें मालूम है कि एक बाईडेंटेट दो मोनो के बराबर होगा, क्योंकि एक बाईडेंटेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक बाईडेंटेट अगर टू मोनो के बराबर है तो थ्री बाईडेंटेट किसके बराबर हुआ, 6 मोनो के बराबर हुआ। तो यहाँ प्लेटिनम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो तीन बाईडेंटेट है, एक बाईडेंटेट दो के बराबर हुआ तो थ्री बाईडेंटेट किसके बराबर हुए, 6 के बराबर। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। सिंपल सी बात, हम ये भी समझ सकते हैं कि मेटल के साथ जो लीजेंड अटैच है उन्होंने टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। एक ऑक्सलेटाइन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तीन ऑक्सलेटाइन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो लीजेंड ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। या तो आप इस टाइप से कहिए कि कितने मोनोडेंटेट हैं, या और इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लीजेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। बस चाहे तो ये डेफिनेशन कि कितने मोनोडेंटेट है, ये लीजेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। इसमें एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि वन बाईडेंटेट इज इक्वल टू टू मोनोडेंटेट, वन बाईडेंटेट लीजेंड इज इक्वल टू टू मोनोडेंटेट लीजेंड, एक बाईडेंटेट लीजेंड दो मोनोडेंटेट लीजेंड के बराबर होगा। तो फिर एक हेक्साडेंटेट लीजेंड किसके बराबर होगा, वन हेक्साडेंटेट लीजेंड इज इक्वल टू 6 मोनो डेंटेट लीजेंड,
ठीक है, ये दोनों इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना। और एग्जांपल करते हैं, इससे बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी। देखो हमने कहा पी टी ई एन टू सी एल टू एस ओ फोर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का होगा, सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये एक मोनोडेंटेट है क्लोरीन, पर ई एन तो एक बाईडेंटेट है। एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बूंद देगी, दो क्लोरीन दो कोऑर्डिनेट बूंद देगी, तो इन्होंने दो दिए। बट एक ई एन तो बाईडेंट है, एक ई एन दो कोऑर्डिनेट बूंद देगी, तो दो ई एन तो कितने कोऑर्डिनेट बूंद देगी, फोर। तो टोटल कोऑर्डिनेट बूंद कितने बने, सिक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ सिक्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। और देखो हमने कहा सी आर ई डी टी ए सी एल टू, ये कहा, ठीक है। तो अब देखो क्रोमियम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एक ई डी टी ए, तो हेक्साडेंटेट लीजेंड है, सिक्स कोऑर्डिनेट ही दे रहा है, तो ये एक अकेला ही छः कोऑर्डिनेट बोंड दे रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, सिक्स, क्योंकि एक ई डी टी ए ने टोटल सिक्स कोऑर्डिनेट बोंड बनाया, और जितने लीजेंड कोऑर्डिनेट बोंड फॉर्म करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। या एक ई डी टी ए एक हेक्साडेंटेट सिक्स मोनो के बराबर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये चेक कर लेंगे कि बाईडेंटेट है तो वो दो मोनो के बराबर, हेक्साडेंटेट है तो सिक्स मोनो के बराबर, ठीक है। इस टाइप से हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बार बार हम इसकी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, जिसमें मेटल्स और लीजेंड होंगे, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वेयर ब्रैकेट से ही पता लग जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट को कौन सा है, विच इज एनक्लोज इन स्क्वेयर ब्रैकेट एंड कंटेन, और इसके अंदर क्या क्या है, मेटल एंड लीजेंड्स। इसकी खास बात, ये वाला पार्ट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, इसके लेफ्ट या राइट पर जो भी होंगे वो तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे, पर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर में डिसोसिएट नहीं होता, इट इज ए क्वाइट स्टेबल पार्ट। ये ध्यान रख लेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये पार्ट ध्यान रखेंगे। जैसे हम पहले भी हमने काफ़ी बार एग्जांपल दिया K4FeCN6, अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालें तो क्या होगा, देखो ये स्फीयर ब्रेक नहीं होगा, इसके लेफ्ट या राइट पे, लेफ्ट पे पोटाशियम वो अलग हो जाएंगे, एक पोटाशियम पर प्लस वन है तो फोर पर प्लस वन प्लस, ये FeCN6 एज इट इज, बट अब इस पर चार्ज जरूर आएगा, कैसे, एक पोटाशियम पर प्लस वन है, फोर पर प्लस फोर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पर माइनस फोर, तो ये एक एनायनी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना हमने। नाउ इसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट आवर सिंपल डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, देखो इसके अंदर इनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं। इट इज द अरेंजमेंट पैटर्न, कि किस टाइप से हमने अरेंज किया है, किसको, लीजेंड को, किसके अराउंड, मेटल के अराउंड। अब इनका स्ट्रक्चर बनेगा ना कुछ, एफ ई के अराउंड सी एन किस टाइप से अरेंज है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, बाई पायरामिडल, पायरामिडल, किस टाइप से। अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ लीजेंड्स, लीजेंड्स की अरेंजमेंट अराउंड, किसके अराउंड,
सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इन स्पेस या थ्री डायमेंशन कहो, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया NiCO4, ये कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन का साइज सिमिलर है तो कार्बन मोनोक्साइड डिफरेंस है तो कोबाल्ट NiCO4। इसका जब हमने प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर चेक किया तो NiCO4 की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली SP3 ये निकिल, एक कार्बन मोनोक्साइड, सेकंड कार्बन मोनोक्साइड, थर्ड कार्बन मोनोक्साइड, फोर्थ कार्बन, इस टाइप से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अब ये यही अरेंजमेंट क्यों है, इसके लिए हमारे पास अलग थ्योरी आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर किस टाइप से काउंट होंगे। NiCO4 को हमने टेट्राहेड्रल बनाया, और देखिए हमने लिया PtCl4 2-, इट इज स्क्वेयर प्लेनर DsP2, इसकी हाइब्रिडेशन निकलेगी DsP2। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, ये प्लेटिनम Cl, ये यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, ये सब -1, -1, -1, -1, प्लेटिनम +2, ठीक है, इस टाइप से। अब ये एक स्क्वेयर के टाइप में इनकी अरेंजमेंट आ गई, ठीक है, ये अब कैसे आई है इसके लिए अलग थ्योरी है, वो हम उसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किन्हीं भी लीजेंड्स की एक सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है बिल्कुल ये। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को हो या ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने फिर अपना एक मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया K4FeCN6। अब अगर इसमें आयरन का चार्ज निकाल लें, ठीक है, पोटाशियम का +1 है, CN का -1 है, आयरन का हम चार्ज कितना कंसिडर कर लेते हैं, X, एल्जेब्रिक समले, क्योंकि एक न्यूट्रल था स्टार्टिंग, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इन सभी के चार्ज का सम किसके बराबर आएगा, 0। एक पोटाशियम का 4, एक पोटाशियम का +1, 4 का +4, आयरन का X, एक CN का -1, 6 का -6 -0, वैल्यू ऑफ X इज +2, यानी यहाँ आयरन का चार्ज +2 आ रहा है, तो यही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, इट इज द चार्ज अपीयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिक सम करके निकालेंगे, यानी इनका चार्ज, इनका चार्ज, इनका चार्ज, अगर इन पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर है, कोई चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर, सिंपल सी बात, सेंट्रल मेटल एटम की जो भी, सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी चार्ज होगा वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। आगे हमारे इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, हमने नोमेनक्लेचर करना, उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की और भी ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब आ जाएगा हमारे पास होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक, 6 डेफिनेशन है, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए मैंने कहा PtNH3+2, एक तो ये कहा, ठीक है, और फिर हमने कहा PtNH3+4H2O2+2, ये दो कंपाउंड लिखे हमने, इनमें देखिए 6 लीजेंड है ना, 6 के 6 अमोनिया एक जैसे हैं, इसमें भी 4+2 6 लीजेंड है पर 4 अमोनिया 2 वाटर, अलग अलग लीजेंड है ना, जहाँ एक जैसे लीजेंड हो सारे वो होमोलेप्टिक, जहाँ अलग अलग लीजेंड हो वो हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। What is homoleptic coordination compound? These are the coordination compound
विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ लीजेंट, जैसे पीटी एनएसिस 6 हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें एक से ज्यादा टाइप के, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ लीजेंट, जिसमें टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ लीजेंट होगी, ठीक है। अब इसमें टू हैं, दोनों अलग हैं, थ्री हो अलग हो, चार हो वो अलग हो, तो वो हेट्रोलेप्टिक लीजेंट कंसिडर होंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए, हम ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, इनके ना कुछ प्रैक्टिकल यूज हैं जो बाद में हम असेंबल कर देंगे, पर बीच बीच में जो इनके इंपॉर्टेंट यूज हैं या कहाँ इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ रही है वो भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ जो स्पेशल नोट की फॉर्म में आपने ध्यान रख लेना है, सबसे पहला देखिए, जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्लोरोफिल, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। कई बार तो डायरेक्ट सिंगल मार्क्स में आता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mg मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। सेकेंड, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। ये हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच मेटल, Fe आयरन। विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, CO कोबाल्ट। कार्बन का साइज और ऑक्सीजन के साइज में डिफरेंस है, तो ये कोबाल्ट है, ध्यान रखिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के साइज में अगर डिफरेंस हो तो वो कोबाल्ट है। फोर्थ, देखो हम एक कंपाउंड यूज करते हैं सिस सिप्लेटिन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर्मूला है इसका PtNH3 2 Cl2, पर इसकी सिस ट्रांसफॉर्म दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं एक ही कंपाउंड की। अगर सिमिलर एटम सेम साइड पर हो तो सिस है, सिमिलर एटम अपोजिट साइड पर हो तो ट्रांस है। हम इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, 2 और 2 4। देखिए, हमने यहाँ अमोनिया अटैच की और यहाँ भी अमोनिया अटैच की, तो इस सेम साइड पर आ गई। इस सेम साइड पर हमने Cl अटैच कर दी, यहाँ Cl, तो ये हो गया सिस फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सिस सिप्लेटिन, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। सिस सिप्लेटिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, यानी कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, अब इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो थर्ड हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आएगा नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिल देन, गुड लक।